लेटेस्ट नाउ सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्वेश्चन इज लाइक दिस थ्री इक्वल माससिस ऑफ थ्री एम के जी को हमने एक वर्टिस ऑफ एन इक्विल पर प्लेस कर दिया है सो so, हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर एक मास रख देते हैं ऑफ एम के जी तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा सेकेंड पार्ट में हमें यह फाइंड आउट करना है अगर जो मास वर्टेक्स ए पे रखा है उसको हम डबल कर दें तो सेंट्रोइड पे रखे हुए मास पर क्या फोर्स लगेगा तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम एक, एक, एक कर लेते हैं इसके हर एक पे एक थ्री एम के जी का मास रख देते हैं इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड को अगर हम जी कहें तो उस पर हमने एक मास एम प्लेस कर दिया है अब हम सेंट्रोइड जी को वर्टिसेस से ज्वाइन कर देते हैं नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं यह हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हम फोर्सेस को एक्स एंड वाई डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकें अब यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्स एक्सिस हैं वो जी से थर्टी डिग्री का एंगल बना रही है एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस जीबी के साथ थर्टी डिग्री का एंगल बना रही है अब अगर हम ए पे रखे हुए मास के कारण जी पे लगने वाला फोर्स देखें तो हम उसके लिखेंगे एफ जी ए एंड दैट विल बी इक्वल टू जी इंटू थ्री एम इंटू एम अपॉन वन इंटू जे कैप अब बी पे रखे हुए मास के कारण जी पे रखे हुए मास M पे लगने वाले फोर्स को देखें तो हम उसे बोलेंगे एफ जी बी वो होगा जी इंटू थ्री एम इंटू एम अपॉन वन इंटू माइनस आई कैप कॉस्ट थर्टी माइनस जे साइन थर्टी नेक्स्ट हम एफ जी सी देखें तो वो हो जाएगा जी इंटू थ्री एम इंटू एम ऑन वन इन आई कैप कॉस्ट थर्टी माइनस जे कैप साइन थर्टी सो बाय सुपर पोजिशन थियोरम हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी सारी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे तो वह कुछ इस प्रकार से दिखेगा सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास एफ जी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा नेक्स्ट हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं जिसमें ए पे रखे हुए मास को अगर हम डबल कर दें तो जी पे रखे हुए मास पर नेट फोर्स क्या होगा यहां पर अभी हमने ऊपर जो इक्वेशन लिखी है एफ जी नेट की डाटा एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी इसमें एफ जी बी एंड एफ जी सी एज इट इज रहेंगे बस एफ जी ए का टर्म चेंज हो जाएगा तो देखते हैं एफ जी नेट की इक्वेशन कैसी दिखेगी वह कुछ इस प्रकार से लिखेगी यहां पे आप देख सकते हैं एफ जी ए हो गया है Square J cap. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ जी नेट की वैल्यू आ जाएगी सिक्स जी एम स्क्स जी एम स्क्त साइन थर्टी जे कैप साइन थर्टी की वैल्यू होती है हाफ तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी सिक्स जी एम स्क्वायर जे कैप माइनस थ्री जी एम स्क्वायर जे कैप सो एफ जी नेट हो जाएगा थ्री जी एम स्क्वायर जे कैप यहां से हम देख सकते हैं कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेसिस पे इक्वल मासेस रखे हो तो सेंट्रोइड पे रखे हुए मास पर जीरो फोर्स लगता है